So the next question is, find the least number which must be subtracted from 7250 to obtain a perfect square. Also find the perfect square and its square root. Means हमें ऐसा number find करना है जो इस 7250 में से subtract करें और जो हमें actual subtraction के बाद number मिले वो perfect square हो और उसका square root क्या होगा. ठीक है, तो ये question है हमारा. इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 7250 को आइदर यू कैन फैक्टराइज और यू कैन यूज लॉन्ग डिविजन मैथड. दोनों मैथड में आपको बता चुकी हूँ, है ना. लॉन्ग डिविजन मैथड यूज करते हैं तो हम राइट साइड से मीन्स यूनिट प्लेस से पेयरिंग करते हैं जिसको हम पीरियड बोलते हैं. यहाँ पर पेयर बन रहा है, बना दिया. फिर हम यहाँ ऐसा नंबर चूज करते हैं जो हम यहाँ भी लेंगे यहाँ भी लेंगे. लाइक हमने लिया 9, 9 जा तो हो जाएगा 81, तो बड़ा हो जाएगा. जबकि डिवीजन में हम क्या करते हैं, आइदर इसके इक्वल या इससे कम. तो हम क्या लेंगे, 8, 8 जा 64, क्योंकि इससे कम होना या इसके इक्वल होना ज़रूरी है. और वही 8 हम यहाँ ऐड भी करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड का रूल होता है, राइट. अब 72 में से 64 जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो आपका 12 में से 4 गया तो यहाँ आएगा आपके पास 8, ये हो गया 0. अब आप क्या करेंगे, पेयर पूरा कॉपी करेंगे, 50 पूरा के पूरा कॉपी होगा. सो नाउ योर नंबर इज 850 और यहाँ पर आपके पास नंबर क्या है, 16. अब यहाँ आप ऐसा नंबर चूज करेंगे, लाइक आपने 4 लिया तो आप यहाँ भी क्या लेंगे, 4 लेंगे, या 5 लिया तो 5 लेंगे, 6, जो आप इस नंबर के अकॉर्डिंग लेंगे. टेबल बना बना के देखना होगा. तो यहाँ पर जब हम 5 लेंगे सो 165 फाइजा, ये आपको मैं बता चुकी हूँ कि रूल होता है जो नंबर यहाँ लेंगे वही हमें यहाँ भी लेना है. सो 165 फाइजा होता है आपका 825. मीन्स अगर हम 166 लेते तो ऑब्वियस है इससे कुछ बड़ा आ जाता और वही 5 हम यहाँ ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 170. अब यहाँ पर जब हम इसे सब्ट्रैक करेंगे तो आपका रिमाइंडर बच रहा है. मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, ये कन्फर्म हो गया, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर अगर होता या इसका स्क्वायर रूट निकलना होता तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आता, 0. ये पहचान होती है परफेक्ट स्क्वायर की, ठीक है. अब यहाँ पर जब रिमाइंडर आया है मीन्स इसका स्क्वायर रूट 85 नहीं है तो इस नंबर में ये 25 जो है ये एक्स्ट्रा है. मीन्स दिस इज योर रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट जो आपको आंसर मिलेगा That will be a perfect square. तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ऐसा लिख चाहें तो लिख सकते हैं, this shows that 85 square is less than 7250 by 25. ये स्टेप आप चाहें तो लिखें, अदरवाइज आप इग्नोर भी कर सकते हैं. मीन्स 85 का जो स्क्वायर है उसमें 25 जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब यहाँ पर 25 जो है वो एक्स्ट्रा है बिकॉज इट इज अ रिमाइंडर. तो आप क्या करेंगे, 7250 से 25 को माइनस करेंगे सो यू विल गेट 7225. ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट हो जाएगा. तो अब आप लिखेंगे 25 इज द लीस्ट नंबर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होगा, लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड
फ्रॉम 7250, राइट। अब आपका जो आंसर आ चुका है आफ्टर सब्ट्रैक्शन 7225, अब आप इसका स्क्वायर रूट निकाल के उन्हें बताएंगे, तो ऑब्वियस है कितना आएगा, 85। मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, बट आप लॉन्ग डिविजन मेथड से सॉल्व करके या प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व करके इसको बता सकते हैं कि ये किसका रूट है, 85। इसका स्क्वायर रूट क्या है, 85, ठीक है, और रिमाइंडर आना चाहिए 0। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो डेफिनेटली रिमाइंडर क्या आएगा, 0। मीन्स इस क्वेश्चन में 25 जो था, इट वॉज एक्स्ट्रा नंबर, मीन्स दिस वॉज द लीस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7250 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लीस्ट के, ग्रेटेस्ट के, ये वाले क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते ही हैं। नाउ अनदर एग्जाम्पल इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अभी हमने क्या किया था, लीस्ट पे डिपेंडेंट क्वेश्चन क्या था, नाउ इट इज ऑन बेस्ड ऑन ग्रेटेस्ट नंबर। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट्स। अब यहां नंबर भी नहीं दिया है, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इन प्रीवियस क्वेश्चन वी हैड नंबर 7250 और हमें लीस्ट नंबर फाइंड करना था। इन दिस क्वेश्चन दे हैव नॉट गिवन इवन द नंबर, बट दे हैव गिवन अ गुड क्लू, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फोर डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है। फोर डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 9999। इसके बाद अगर इसमें हम 1 ऐड करें तो ये 5 डिजिट नंबर बन जाएगा, 5 डिजिट का लीस्ट नंबर। तो आपको सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट नंबर पता होना चाहिए और लीस्ट नंबर पता होना चाहिए, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, 5 डिजिट्स, सबके ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट। तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ, लीस्ट ग्रेटेस्ट, लीस्ट 2 डिजिट नंबर वो क्या होगा, 10। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 99। 1 डिजिट भी ले लीजिए, लीस्ट होगा 1 एंड ग्रेटेस्ट होगा 9। व्हाई 9, बिकॉज 9 के बाद अगर हम देखें 10 आ जाएगा तो वो 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला कॉलम लीस्ट का, ये वाला ग्रेटेस्ट का, तो बहुत इजी होता है ये 3 डिजिट एंड ये 4 डिजिट एंड सो ऑन। अभी हमारा क्वेश्चन जो है 4 डिजिट का है, तो हम ये वाला नंबर ले लेंगे, ठीक है। सो क्या करना है हमें, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने नंबर ले लिया, आप लिखेंगे द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर इज नंबर इज 9999 एंड देन यू विल सॉल्व द नंबर। वही लॉन्ग डिविजन मेथड, पेयरिंग बना लेंगे 9999, राइट साइड से आप पेयरिंग बनाएंगे। अब हमारे पास है 99, हमें ऐसा नंबर चूज करना है जो हम यहाँ भी लेंगे और यहाँ भी लेंगे, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि हम क्या लेंगे, 9 9 9 81। वही 9 हम यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है, 81 आ गया हमारे पास। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वी गेट 18। पूरा 99 मीन्स पूरा पेयर कॉपी होगा, सो वी हैव कॉपीड द पेयर 99। अब यहाँ पर जो हम नंबर लेंगे वही हमें यहाँ भी लेना होगा, सो हम ट्राई करेंगे टेबल अब बना के देखेंगे। तो मुझे पता है इसलिए मैं यहाँ पर 9 ले रही हूँ, 189 9 1701। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 9 ऐड हो जाएगा, 9 और 9 18 9, ये हो जाएगा 198। और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 8 9 198 इज योर रिमाइंडर। जबकि हमें पता है अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या होता, 0, बट अभी रिमाइंडर क्या है, 198। मीन्स 198 जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें एक्चुअल परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 198 को माइनस करना होगा। सो आवर नंबर वॉज, आप वो लाइन चाहे तो फिर से लिख सकते हैं, दिस शोज दैट 99 स्क्वायर
is less than 9999 by 198. इसका मतलब यही हुआ कि 198 यहां पर एक्स्ट्रा है. तो हम क्या करेंगे, द लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज 198. 9999 में से आप 198 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो योर फिगर विल बी 9801. मीन्स फोर डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है दैट इज 9801, वही परफेक्ट स्क्वायर होता है. 9802 नहीं हो रहा होगा, 9803 नहीं होगा, आप 9999 तक करके देखेंगे बट वो एक भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा. 9801 फोर डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है. अब आप इसको लॉन्ग डिविजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल के बताएंगे. 9801 सेम प्रोसीजर पेयरिंग कर लेंगे, 9981 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1701, यहाँ 9 ऐड हो जाएगा सो इट विल बिकम 18. आप यहाँ 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1701 एंड रिमाइंडर इज 0. सो फोर डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर अगर कोई हमसे पूछता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर है और जिसका रूट फाइंड आउट हो सकता है दैट इज 9801. इसके बाद के सारे नंबर टिल 4 टाइम्स 9 तक के सारे जो हैं वो स्क्वायर रूट नहीं फाइंड होंगे, उनके रूट्स होंगे बट परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होंगे. ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप बार बार प्रैक्टिस करिए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. So another very nice example is what least number must be added. दोस्तों इससे पहले वाला जो example हमने पढ़ा उसमें क्या था, what least number must be subtracted, और यहाँ पर what they are saying least number must be added. यहाँ पर huge difference है. अगर subtracted होता तो हम क्या करते, long division method से solve कर देंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम एक्चुअल नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वो पर्टिकुलर नंबर मिल जाएगा जो परफेक्ट स्क्वायर होता है जिस पे बेस्ड अभी हमने क्वेश्चन किए. अब पैटर्न टोटली चेंज है तो इसको ध्यान से देखिए क्या है ये पैटर्न. क्वेश्चन एज इट इज है, ओनली देयर इज अ डिफरेंस इन वन वर्ड व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड. ठीक है, 2 5 6 0 7 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑल. तो हम आगे बता देंगे. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर पैटर्न चेंज होगा. पहले हम प्रीवियस जो क्वेश्चन सॉल्व किया लॉन्ग डिविजन से सॉल्व करके नियरेस्ट स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे. ठीक है, यहाँ पर है 56, हम ऐसा नंबर चूज करेंगे जो हम यहाँ भी लिखेंगे यहाँ भी 7 7 49, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7, यहाँ पर ऐड कर देंगे. ये स्टेप आपको इमीडिएटली करना है, अदरवाइज आप भूल गए तो गड़बड़ होने का चांस है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 56 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो इट विल गिव यू 7. 7 मिला, ये पूरा पीरियड या पेयर कॉपी होगा तो ये हमने कॉपी कर दिया. नाउ वी हैव 707. यहाँ पर ऐसा नंबर चूज करेंगे जिससे इससे नियरेस्ट हमें टेबल मिल जाए. 144 4 is 576, और जब अगर हम 5 जा करेंगे तो वो इससे बड़ा आ रहा होगा, इसलिए हमने क्या किया 144 4 जा. सो ये हो गया आपका 148. इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे वी हैव रिमाइंडर, दिस इज योर रिमाइंडर 131. इफ इट वाज अ लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन देन वी कुड सब्ट्रैक्ट दिस 5607 एंड 131, बट वी हैव व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड. अब यहां पर एक फर्दर स्टेप और होगा जो आपको याद रखना है. नियरेस्ट हमें जब पता चल गया कि ये 74 का स्क्वायर हो सकता था ये नंबर, बट इसमें ये एडिशनल है, अब हम 74 से एक नंबर ज्यादा
का स्क्वायर फाइंड करेंगे, मीन्स जो भी आपका यहाँ पे आंसर आएगा उससे एक नंबर ज्यादा लेंगे। 74 से ज्यादा क्या होता है? 75। सक्सेसर ले लिया हमने 74 का, उसका स्क्वायर सबसे पहले फाइंड करके देखेंगे। 75 का स्क्वायर जब आप फाइंड करेंगे, 75 × 75 एंड इट विल गिव यू 5625। मीन्स ये जो नंबर है 5607, इसमें हम कुछ ऐड करें तो ये 5625 बन जाएगा एंड इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। बट 5607 में हम क्या प्लस करें, वो क्या प्लस करें फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? 5625 − 5607, सो यू विल गेट नंबर, means 18 is the required number which must be added to 5607. 5607 में हमने 18 add किया तो वो क्या बन जाएगा? 5625, and 5625 क्या होता है? 75 का square होता है, or you can say 5625 का square root क्या होता है? तो that is 75. तो हमें nearest number find करना था ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके करना होता तो हमारा क्वेश्चन यही स्टॉप हो गया होता, हम इसमें से इसको माइनस कर देते। बट ऐड करना है तो जो भी यहाँ आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड के नंबर मिलेगा उससे एक सक्सेसर, मीन्स उससे एक नंबर ज्यादा हम ले लेंगे, उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये तो हुआ एक्सप्लेनेशन। अब आपकी स्टेप कैसी होगी? अभी तो हमने जस्ट समझने के लिए इसको आपको इस तरीके से बताया, अब इसका एक्सप्लेनेशन जो आप लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे। वी ऑब्जर्व हियर दैट सेवन, जो ये नंबर है 5607 इज लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस। ये तो क्लियर हो गया हमें, लॉन्ग डिवीजन के थ्रू हमें जो रूट मिला इसके थ्रू हमें पता चल गया कि ना तो ये 74 का स्क्वायर है ना ये 75 का स्क्वायर है, तो इट इज लाइंग बिटवीन इन दिस टू नंबर। 74 का स्क्वायर क्या होता है? 5607 इज लाइंग बिटवीन दिस टू नंबर। ठीक है, अब हम निकालेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज, रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड इज, हमें यहाँ ऐड करना है तो वो हमने कैसे निकाला? हमने 5625 में से 5607 को सब्ट्रैक्ट करके देखा, सो यू विल गेट 18, सो 18 इज द रिक्वायर्ड नंबर, राइट? नाउ अब योर नंबर 5607 इज कन्वर्टेड इनटू 5625 बिकॉज वी हैव एडेड 18। 5625 का स्क्वायर आपको ऑलरेडी पता है, ये किसका स्क्वायर है? 75 का स्क्वायर, और यू कैन राइट द स्क्वायर रूट ऑफ 5625 इज 75। दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 5625 इज 75। सो दे हैव आस्क्ड व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू दिस, तो इसमें हमने 18 को ऐड किया, सो इट विल बिकम 5625। एंड आगे क्वेश्चन था कि उसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करें, तो वो हमने करके दिखा दिया। ठीक है, सो एडेड वाले क्वेश्चन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट लाइक सब्ट्रैक्टेड वाले थे, तो हम इनको बहुत प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये एग्जाम में 99% आते ही हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, इट्स वेरी डिफरेंट एंड न्यू पैटर्न जो अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट which is a perfect square. Find the square root of this number. सबसे पहले यहाँ पर हमें नंबर ही नहीं दिया जिसका हमें
स्क्वायर रूट फाइंड करना है या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है पता करना है, ठीक है। बट दे हैव गिवन अ वेरी गुड क्लू, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट। सो लीस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट इज, हमें नंबर खुद बनाना होगा, लीस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट्स इज 1000050, ठीक है। ये क्लियरली दिख रहा है, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आप डेफिनेटली सोचेंगे कि मैम ने ऐसा कैसे लिख दिया कॉन्फिडेंटली कि दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो परफेक्ट स्क्वायर की हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज हम काउंट कर लेंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5, दिस इज अ ऑड नंबर, ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं। ऑड नंबर ऑफ जीरोज होते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। लेट्स से यहाँ इवन नंबर ऑफ परफेक्ट जीरोज होते तो ये कन्फर्म परफेक्ट स्क्वायर होता। तो सबसे पहले तो हमें सारी प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए। तो हमने प्रॉपर्टी के थ्रू ऑलरेडी गेस कर लिया कि दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बट ये सिक्स डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। इस क्वेश्चन में आपको डिसाइड करना है कि हमें लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फाइंड करना है या लीस्ट नंबर शुड बी एडेड। अभी यहाँ पर तो लिखा ही नहीं है कि हमें ऐड करके फाइंड करना है या सब्ट्रैक्ट करके। आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है कि जब सिक्स डिजिट का ये सबसे छोटा नंबर है, अगर हम इसमें सब्ट्रैक्टेड वाला पैटर्न लगाएंगे तो ये फाइव डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें एडेड वाला लगाएंगे तब ही ये सिक्स डिजिट में मेंटेन रहेगा। तो सबसे पहले हमने डिसाइड कर लिया कि इस क्वेश्चन में हमें कौन सा पैटर्न यूज करना है। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू दिस नंबर सो दैट यू विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्लियर हुआ आपको? क्यों यहां पर हम एडेड लगा रहे हैं? क्योंकि हमें सिक्स डिजिट का ही नंबर फाइंड करना है। देखिए, पढ़िए आप क्वेश्चन को ध्यान से, तो यहां पर सब्ट्रैक्टेड वाला पैटर्न नहीं लगेगा। अगर लगता तो हम लॉन्ग डिविजन मेथड के थ्रू उतना तो हमें सॉल्व करना ही होगा जितना हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 पेयरिंग कर दी हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। यहां पर 10 लाना है तो ऑब्वियस हम 3 3 9 करें, 1 आ गया। यहां पर हमने 3 ऐड कर दिया सो इट विल गिव यू 6। 1 पेयर हम कॉपी करेंगे, 61 1s हो जाएगा 61। हमने 2s क्यों नहीं किया, क्योंकि 61 2s जो है वो 100 से ग्रेटर आ जाएगा। यहाँ 1 हमने इमीडिएटली ऐड कर दिया क्योंकि ये कंपलसरी स्टेप है। 100 में से 61 जब हमने माइनस किया तो इट विल गिव यू 39। नाउ वी विल कॉपी अनदर पेयर। अब यहाँ पर हम एक ऐसा नंबर चूज करेंगे, लेट से 5 6 7, जो हमें यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है। सो 6 से ये सॉल्व होगा, 6 से जब हम करेंगे सो यू विल गेट 3 7 5 6। अगर हम 7s लेते तो शायद बड़ा आता, इसलिए हमने 6 लिया, ठीक है। ये ऐड हो गया, इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यू विल हैव रिमाइंडर 144। दिस इज योर रिमाइंडर। व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड होता तो हम इस 100,000 में से 144 को माइनस कर देते, बट जब हम माइनस करते तो हम 4 डिजिट की तरफ चले जाते, सॉरी 5 डिजिट की तरफ चले जाते। हमें एडेड वाला पैटर्न ही इस क्वेश्चन में लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि हमें 6 डिजिट का लीस्ट नंबर फाइंड करना है। तो आपको ये क्लियर हुआ? यस। अब हम इसकी फर्दर स्टेप करेंगे। मैंने आपको जैसा बताया था कि आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि ये 316 के स्क्वायर के आसपास का नंबर है, तो हम इससे एक बड़ा नंबर ले लेंगे, वो क्या होगा, 317 स्क्वायर। हम 317 स्क्वायर फाइंड करेंगे। 317 स्क्वायर जो होता है दैट इज 100489, राइट। हमने 317 का स्क्वायर फाइंड कर लिया और हमें ऑलरेडी 316 का स्क्वायर पता है, क्योंकि हमें यही पता चल गया ये एक्स्ट्रा है, तो हम इस नंबर में से 144 माइनस कर देंगे। सो हमारा आंसर होगा 316 का स्क्वायर इज 99856।
बट ये हमें कंसीडर नहीं करना है बिकॉज इट इज कन्वर्टेड इनटू 5 डिजिट, हमें 6 डिजिट की तरफ मूव करना है। बट ये हमने रफ आइडिया के लिए पता किया। अब हमें 317 का स्क्वायर पता है, हमारा नंबर जो है दैट इज 1 लाख। मीन्स ये क्या ऐड करना होगा हमें फाइंड करने के लिए, क्या करना होगा, 100489 में से 1 लाख सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो यू विल गेट द एक्चुअल नंबर विच शुड बी एडेड, राइट। सो हमें क्या मिल गया, 489। यानी इस क्वेश्चन में 489 ऐड करें तब ये परफेक्ट स्क्वायर, वो भी 6 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, अब आप इसको स्टेप में कैसे लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया। सो नाउ यू विल रैप अ स्टेप्स। सो आपके स्टेप होंगे, क्लियरली वी ऑब्जर्व दिस नंबर 1 लाख मीन 6 डिजिट का लीस्ट नंबर इज लाइंग बिटवीन, ये इन दो नंबर्स के बीच में लाए कर रहा है, ठीक है। इसका स्क्वायर भी हमें पता है 99856। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जब भी तो हम इतना बॉदरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जब हमने स्क्वायर फाइंड किया, सो रिजल्ट विल बी दिस। मींस ये नंबर इन दो नंबर्स के बीच में लाए कर रहा है। अब आप लिखेंगे द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड इज ऑब्वियस है 100489 में से इस 1 लाख को माइनस कर देंगे, सो यू विल गेट 489। सो 489 इज द रिक्वायर्ड नंबर विच मस्ट बी एडेड। अब हमें वो नंबर जब पता चल गया तो हमारा जो 1 लाख था वो कितना हो जाएगा, 1,489। एंड दिस इज अ स्क्वायर ऑफ 317, और आप ऐसा भी लिख सकते हैं 100489 का स्क्वायर रूट है 317। तो आपका क्वेश्चन क्या था, वो 6 डिजिट का सबसे पहला नंबर मींस लीस्ट नंबर पता करिए, यानी 100489 ऐसा नंबर है 6 डिजिट का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसके बाद अब बहुत सारे आएंगे, बट पहला जो होता है 1 लाख से स्टार्टिंग करने पे फर्स्ट जो नंबर आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर है दैट इज 100489। स्टूडेंट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम रिपीटिंग, द लीस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, लीस्ट 6 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ये वाले पैटर्न जो है एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं, तो आपको इनको बहुत प्रैक्टिस करना है। हम यहाँ पर बहुत सारे तो नहीं ले सकते हैं, बट जो भी हम ले रहे हैं आप उनको ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ठीक है।